नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के अपने प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं ना कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदियां आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की। इसी की एक मिसाल आज हमारे साथ बैठे हैं गर्ग शर्मा सर। सर, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सर के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगी कि इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में नेट JRF जैसी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी और काफी यंग एज में इन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया था अपना। सर, आप अपनी जर्नी के बारे में हमको कुछ बताएंगे? बिल्कुल। 2018 के अंदर मैंने मेरी UG कंप्लीट करी। मेरे पास सब्जेक्ट थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, और उसके बाद किसी कारणवश मैंने प्राइवेट एडमिशन लिया PG के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ही। और फिर मेरे को मेरे दोस्तों से पता चला कि ये नेट जैसा भी एक एग्ज़ाम होता है जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। तो सर, आपकी अब तक की जर्नी और वो भी ऐसा नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव पेपर एक पहले अटेम्प्ट में पार कर लेना, क्लियर कर लेना, तो आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी, क्या आपने सोर्सेज यूज किए पेपर वन के लिए? स्पेशली वी वुड लाइक टू नो कि क्या था जिसने आपको एज दिलाई इस पेपर में। पेपर वन सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए, वही एक एज प्रोवाइड करता है आपको पेपर वन। तो पेपर वन के लिए मेरी एक सिंपल स्ट्रेटजी थी कि सबसे पहले तो मैंने सिलेबस को एक रूल बुक माना, उसी को मैंने फॉलो करा। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन चालू करी। फिर जो बुक्स आती है, बुक्स मैंने रेफर करी, फॉर एग्जांपल KVS मदान एंड अरिहंत। बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, बट उसके अलावा अभी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो मैंने YouTube पे लेक्चर्स देखे थे, शिव सर के लेक्चर्स हैं उनके देखे थे, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। बट काफ़ी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं, तो एज अकॉर्डिंग टू यू previous year questions या PYQ उसका कितना role है आपकी preparation में personally? I would like to tell that previous year questions जो होते हैं वो बहुत important role play करते हैं, सिर्फ इसी exam में नहीं, हर exam के अंदर। तो previous year questions की मैंने book refer करी थी youth competition की, और उसे मैंने multiple times solve करी, क्योंकि previous year questions जो होते हैं वही repeat होते हैं ज़्यादातर exams के अंदर। और paper one जो खासकर है इसके अंदर सिर्फ previous year questions के आपको around 20-30 questions मिल जाते हैं, तो वो आपको एक एज प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो भी आपको एक एज प्रोवाइड करता है कि अगर आपका जो मैथ्स और रीजनिंग वाला अगर स्ट्रॉन्ग कर ले पोर्शन, तो आप उसके अंदर मोस्ट क्वेश्चन सही कर सकते हैं। कंसेप्चुअली मतलब आपने मैथ्स और रीजनिंग पर ध्यान दिया, यू वर एबल टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो सर, मैथ्स और रीजनिंग में तो हमने काफी इंप्लेंस ये भी सुनी है कि बच्चे या स्टूडेंट्स जो भी अपीयर कर रहे होते हैं वो काफी बार करने में रह जाते हैं और टाइम कंस्ट्रेंट काफी आ जाता है, तो डिड यू ऑल्सो फील एनी टाइम लैगिंग जब आपका पेपर वन ज्यादा टाइम ले रहा हो? टाइम लैगिंग आती है काफियों को, बट मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा काफी जो बैकग्राउंड है आर्ट्स बैकग्राउंड के करते हैं ज्यादातर, तो उनको मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था क्योंकि मैंने मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, तो उसने मेरे को एक एज प्रोवाइड करा। उसके बाद जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन होता है उसने भी मेरे को एक एज प्रोवाइड करा। बाकी और सर, आपकी पेपर टू आपका जो सब्जेक्ट का पेपर था उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी आपने? पेपर टू जो सब्जेक्ट वाला पेपर था उसके लिए भी मेरी थोड़ी स्ट्रेटजी सिंपल थी। सबसे पहले तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने पहले पेपर के लिए बताया कि आपको सिलेबस को कम्प्लीटली रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले तो सिलेबस को फॉलो करा। उसके बाद एक जैसे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज आते हैं, तो मैंने आर गुप्ता की जो बुक आती है उसे रेफर करा। तो आर गुप्ता के मैंने जो क्वेश्चंस PYQ थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको भी मैंने मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करा। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे वो उनका रोल थोड़ा ज़्यादा होता था, बट जो अब आने वाला टाइम है जो अभी आ रहा है तो मेन जो ये फोकस करते हैं तो ये कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और आजकल जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं और फैक्ट्स अच्छे होते हैं। पर हमेशा एक सवाल रहता है कि बुक्स या नोट्स इनमें से क्या रेफर किया जाए, या आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में आपने क्या किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी थी? बुक्स और नोट्स दोनों एक मेजर रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो जैसे मैंने तैयारी करी थी, मैंने जो कॉन्सेप्चुअल वाला जो पोर्शन था वो मैंने बुक्स से पढ़ा, तो उससे मैंने कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर करे। फिर जो नोट्स की बात आती है तो नोट्स के अंदर आपको मेनली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एड ऑन करनी पड़ती है, आपको जॉट डाउन करनी पड़ती है। तो नोट्स सर आपने खुद प्रिपेयर किए थे या यू आर ओके विद समवन एल्सस नोट्स? नो, मैंने जो नोट्स वो मैंने खुद ने प्रिपेयर करे थे खुद के। तो जो नोट्स मेकिंग की एक स्ट्रैटेजी होती है वो मेरी बहुत अलग थी, काफ़ी अलग थी। तो नोट्स के अंदर मैंने ऐसे करा था कि फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी के बहुत सारे पेपर्स होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, फॉर एग्जाम्पल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं फॉर पीएचडी, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन होते हैं जी। तो 100 क्वेश्चन पे से फॉर एग्जाम्पल मेरे को 80-85 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को 15 क्वेश्चन नहीं आते। तो मैंने जो 15 क्वेश्चन थे उनको अलग से अपने नोट्स बनाए, उनको अपने नोट्स में ऐड करा जो मेरे को नहीं आता। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने नोट्स सिर्फ उन्हीं के बनाए जो मुझे नहीं आता था, जो मुझे पता था। किसी और के नोट्स पे रिलाई करने से बेहतर है कि यू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। जी 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 बिल्कुल, आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए और आप जॉट डाउन वही करें, फैक्ट्स को उन्हीं को लिखिए जो आपको नहीं आते। तो उससे क्या है, रिवीजन जब अपन करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। तो आपकी अभी जॉन गोइंग जर्नी है, आपकी पीएचडी कैसी चल रही है और आपका आफ्टर दिस आपका आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है? पीएचडी मेरी काफी सही चल रही है, मैंने मई 2022 के अंदर एडमिशन लिया और अराउंड 1.5 ईयर्स मेरे को इधर हो गया, मेरी सिनॉप्सिस हो गई और उसके साथ साथ आगे का जो रिसर्च पेपर है, फॉर एग्जांपल मैंने पेपर्स भी प्रेजेंट करे कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, तो वो उतना मेरा हो गया। और आगे का मेरा जो है फोकस वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आगे जो आने वाला एग्जाम है मेरा उसके ऊपर पूरा फोकस है। तो हमें आज सर से बात करके इतना तो पता चली गया है कि चाहे पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो या चौथे या पांचवे में, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है और सफलता मिलेगी तो मोटिवेशन भले ही खुद का हो बट किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप गाइडेंस ले सकते हैं। हार्ड वर्क